ओके नाउ अब हम बात करेंगे एक और केस ऑफ कॉन्जुगेशन की एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्जुगेशन ऑफ अ ग्रुप विद एन एरोमेटिक रिंग मतलब कि कोई ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ कैसे कॉन्जुगेट कर सकता है ठीक है तो लेट अस से हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग है और इसके पास एक ग्रुप अटैच्ड है अब देखो बेंजीन रिंग का मतलब ये है कि इसके अंदर पाई बॉन्ड है पाई बॉन्ड एक एम्प्टीनेस भी है और इलेक्ट्रॉन भी है तो अगर इस ग्रुप के साथ पे जो एटम लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ अगर वो चार में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेट कर जाएगा मतलब कि इफ द एटम अटैच टू द बेंजीन रिंग हैज एम्प्टी ऑर्बिटल तो ये एम्प्टी सिंगल पाई बॉन्ड का कंडीशन हो जाएगा इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट हैज लोन पेयर और इट हैज अ पाई बॉन्ड तो अगर ये चार में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो ये ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेट कर जाएगा ठीक है कॉन्जुगेशन ऑफ अ ग्रुप विद बेंजीन रिंग इज टर्म्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट ठीक है तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए इफ इन अ ग्रुप the atom attached to benzene ring if in a group the atom attached to the benzene ring has a capacity to satisfy any of these four conditions has a capacity to satisfy any of these four conditions. That is, first one, it has an empty orbital. Second, has an unpaired electron. Third, has a lone pair. And fourth, has a pi bond, that is, फिर से बोल देता हूं empty orbital, unpaired electron, lone pair, pi bond. Then, this group conjugates with the benzene ring. Then this group conjugates with the benzene ring. Full stop. The conjugation of a group with benzene ring is termed mesomeric effect. Is termed mesomeric effect or resonance effect. Is termed mesomeric effect or resonance effect. ठीक है भाई इसको पहन देना कोई अगर है तो किसी के पास So that is what we term as the resonance effect or mesomeric effect. अब देखो कई तरीके के ग्रुप्स हो सकते हैं Let us say हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के पास हमने NH2 लगा दिया Now this compound is aniline. अगर हम aniline की बात करते हैं then in that case aniline के अंदर nitrogen के पास electron pair है nitrogen carbon से ज्यादा electronegative है लेकिन nitrogen carbon से electron accept नहीं कर सकता कारण है कि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी आउटरमोस्ट शेल की 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के आसपास हैं, तो नाइट्रोजन एक्सेप्ट नहीं कर सकता पर हां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है इसलिए वो डोनेट कर सकता है तो नाइट्रोजन फिर डोनेट करता है यहां पर ये जब नाइट्रोजन ऐसे डोनेट करेगा तो बी वेरी क्लियर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड की कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है देन इन दैट केस इट इज अ पी
a p pi coordinate bond which is being formed. Theek hai? And be very clear, a pi coordinate bond in organic chemistry is termed conjugation, and in inorganic chemistry is termed back bonding. ठीक है, बैक बॉन्डिंग या कॉन्जुगेशन की एक प्राइम कंडीशन ये है कि दो एटम जिनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो रही है उनमें से कोई एक एटम सेकेंड पीरियड का होना जरूरी है. ठीक है, दूसरा एटम भी अगर सेकेंड पीरियड का हो तो बैक बॉन्डिंग सबसे एफिशिएंट होती है, पर थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड में भी होती है. जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा ऑर्बिटल के साइज में उतनी बैक बॉन्डिंग कम होती जाएगी, उतना कॉन्जुगेशन कम होता चला जाएगा. यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में एडजेसेंट है, तो इनके ऑर्बिटल का साइज सबसे ज्यादा सिमिलर है. और क्योंकि इनके ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा सिमिलर साइज है, इस वजह से नाइट्रोजन सबसे एफिशियंट है इलेक्ट्रॉन डोनेशन में. क्लियर? इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कोई लिंक नहीं है. ठीक है, इसका सिर्फ इस बात से लिंक है कि ऑर्बिटल का साइज कितना ज्यादा सिमिलर है. जितना ऑर्बिटल का साइज सिमिलर होता चला जाएगा, ये मूवमेंट उतना ज्यादा एफिशिएंट होता चला जाएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से मूव करता है. बी वेरी क्लियर, कार्बन की वैलेंसी चार होती है, यहां पर ऑलरेडी चार बॉन्ड बने हुए हैं, तो अगर उसको इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो उसका अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. तो ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट करके यहां कंसंट्रेट हो जाता है. ओके, सो हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है. ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड H2, एंड हियर इट इज पॉजिटिव, हियर इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. दिस बॉन्ड इज हियर, दिस बॉन्ड इज हियर. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पर बना है, दिस कैन मूव फर्दर. ये यहां मूव कर जाता है, ये यहां मूव कर जाता है, and we get another structure. अब ये जो यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज बना रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना कि दिस इज वॉट वी कॉल एज द फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज का मतलब है थियोरेटिकल चार्ज जो इस पर होना चाहिए. एंड माइंड इट, फॉर्मल चार्ज इस बात को कंसिडर करके चलता है कि ये जितने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं वो परफेक्टली कोवेलेंट है. परफेक्टली कोवेलेंट का मतलब ये है कि यहां पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल प्ले नहीं कर रहा. ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है, नाइट्रोजन ऐसे बना हुआ है, यहां हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और नाइट्रोजन के साथ हमने ये पाई बॉन्ड बना दिया, और यहां पर कार्बन है. बी वेरी क्लियर, नाइट्रोजन ने ये वाला जो बॉन्ड बनाया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. ठीक है, तो अब अगर हम इस नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7. ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर. अब इसके अंदर से हमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज देखो, नाइट्रोजन के कोर इलेक्ट्रॉन है, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग, तो सबसे पहले तो -2 कर दो, 1s2. ठीक है, फर्दर 1 2 3 4 4. ठीक है, हर बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक दूसरे वाले एटम का है, तो यहां पे 4 4. दिस इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन. सीधा सीधा फॉर्मूला है, द एटॉमिक नंबर माइनस द कोर इलेक्ट्रॉन्स माइनस द नंबर ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, -2 × lone pair या 2 × unshared electrons, और 2 × नहीं, द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो दैट इज गोइंग टू गिव यू द फॉर्मल चार्ज. इज इट क्लियर? तो इसीलिए नाइट्रोजन का चार्ज प्लस आ रहा है, ये फॉर्मल चार्ज है, एक्चुअल चार्ज नहीं. ठीक है, और इसी तरीके से इस कार्बन के ऊपर भी ये जो चार्ज आ रहा है ये भी फॉर्मल चार्ज है, ये एक्चुअल चार्ज नहीं है. ओके, अब ये बॉन्ड आगे शिफ्ट करता है, यहां आएगा, ये यहां शिफ्ट करेगा, एंड वी गेट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर एज द
दिस देन शिफ्ट्स ओवर हियर, ये वापस यहां. ठीक है, अब इसका सब कुछ मिला के वी कैन क्रिएट अ रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, so this is what we get, the resonance hybrid. अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो यहां पे नाइट्रोजन ने अपना जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो उसने बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया. और यहां पर एक बात और देख सकते हो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अच्छा एक सिंपल सी बात, इफ दिस इज द ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग, तो ये जो इसके इस कार्बन के जो एडजेसेंट वाले पोजिशन है, दीज आर वॉट वी कॉल एज द ऑर्थो पोजिशन. देखो मैं जानता हूं ये थोड़ा आपकी इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन मार्क बन जाता है अगर मैं ये बताता हूं तो, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा. वो ये कि ये जो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन है ये ग्रुप के हिसाब से है, कोई एंगल के हिसाब से नहीं कि आपने ऐसे सीधा बेंजीन रिंग को बना दिया तो ये वाले ऑर्थो, ये वाले मेटा, ये वाले पैरा, ऐसा नहीं होता. ग्रुप कहां है? ग्रुप जहां पे जिस कार्बन के साथ लगा हुआ उसका एडजेसेंट कार्बन इज ऑर्थो, नेक्स्ट इज मेटा और जो ऑपोजिट है वो पैरा है. ग्रुप के हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा होता है, रिंग में नहीं. तो ये ग्रुप अगर मैंने यहां लगा दिया होता तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा हो जाता. यहां लगा देता तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा हो जाता. जस्ट बी केयरफुल विद इट. ठीक है, तो ये ऑर्थो पोजीशन आ गई, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा है. पैरा इज एक्चुअली हाफ वे, पैरा का मतलब ही हाफ होता है. ठीक है, तो यहां पर अगर हम इस पोजीशन को देखते हैं यहां पे सारे के अंदर, तो देखो इन ग्रुप्स के अंदर ऑर्थो पैरा और ऑर्थो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है. तो ऐसे ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं और मेटा पर कोई असर नहीं होता. ठीक है, सो इफ वी हैव ग्रुप्स इन विच द एटम अटैच टू द बेंजीन रिंग has a lone pair or it has less electronegative atom, that is hydrogens attached to it, then it has a capacity to donate the electron pair to the benzene ring through mesomeric effect and increase the electron density at ortho para position. ठीक है, अब benzene ring में एक important बात यह है कि जो भी benzene के छोड़ो कोई भी group, जो भी group electron push करते हैं, रेफरेंस ग्रुप हमारे पास होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, उस पॉइंट के अंदर जो भी ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं उनको हम प्लस ग्रुप कहते हैं और जो भी इलेक्ट्रॉन्स पुल करते हैं उनको हम माइनस ग्रुप कहते हैं. तो यहां पर दिस NH2 बिकम्स अ इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, सो इट बिकम्स अ प्लस ग्रुप एंड इट इज पुशिंग थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट, सो इट इज कॉल्ड द प्लस M ग्रुप. ठीक है, इज इट ओके, क्लियर? तब लिखिए, सबसे पहले प्लस और माइनस ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं. ऑल द ग्रुप्स विच पुश इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द ग्रुप्स विच पुश इलेक्ट्रॉन इन अ रेफरेंस ग्रुप. बी वेरी क्लियर, रेफरेंस ग्रुप आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस में पुशिंग की बात कर रहे हो.
अगर मैं इस NH2 की बात करता हूं, अगर मैं NH2 को रेफरेंस ले लेता हूं तो बेंजीन माइनस ग्रुप बन जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, और अगर मैं बेंजीन की बात करता हूं तो NH2 प्लस ग्रुप बन जाता है क्योंकि ये पुश कर रहा है। तो बी वेरी क्लियर, आपको रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा कि किसके अंदर पुश या पुल की बात कर रहे हो, ठीक है। ऑल द ग्रुप्स विच पुश इलेक्ट्रॉन इन अ रेफरेंस ग्रुप आर टर्म्ड प्लस ग्रुप्स, प्लस ग्रुप्स, व्हाइल द ग्रुप्स विच पुल इलेक्ट्रॉन, व्हाइल द ग्रुप्स विच पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रेफरेंस ग्रुप आर टर्म्ड माइनस ग्रुप्स। ठीक है, ओके। अब जरा हम प्लस एम ग्रुप्स की डेफिनेशन लिख लें। ऑल द ग्रुप्स, ऑल द ग्रुप्स इन विच द एटम अटैच टू द बेंजीन रिंग has a lone pair, or has a capacity to create a lone pair, or has a capacity to create a lone pair, push electron in the benzene ring, push electron in the benzene ring through mesomeric effect, that is conjugative effect, mesomeric effect, that is conjugative effect, and are termed plus M or plus R groups, are termed plus M or plus R groups, full stop. They increase the electron density on ortho and para position. They increase the electron density on ortho and para position while the meta remains unaffected. Meta remains unaffected. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। These are the groups which push electron into the benzene ring. And mind it, I have tried to arrange them in the capacity of pushing. ये सबसे ज़्यादा electron pushing group है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है। ठीक है? They are mildly electron pushing groups. They are even less than that, and they are reluctant to electron push. हाँ, बाद में बताऊंगा। एक बात बताइए ना सर, इसमें लोन पेयर है कहीं? है कहीं लोन पेयर? नहीं है ना, बट इट हैज ए कैपेसिटी। कैसे है बताऊंगा।
क्लियर? सो दीज आर द प्लस एम ग्रुप्स. ओके, चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं. एंड कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल ऑफ किसका ले लें, NO2 का ले लेते हैं. अगर हम इस NO2 के एग्जांपल की बात करते हैं तो नाइट्रोजन यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि नाइट्रोजन के पास अब कोई लोन पेयर नहीं है और ना ही उसके पास कोई कैपेसिटी है लोन पेयर क्रिएट करने की क्योंकि ऑक्सीजन उसको लोन पेयर लेने नहीं देगा. ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है पर इसके पास ऐसा कंडीशन जरूर है कि यहां पर यह इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है, ये आगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेगा. तो दिस इज द कैपेसिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम द बेंजीन रिंग. तो ये यहां से खींचेगा, ये यहां से खींचेगा एंड वी गेट द स्ट्रक्चर एज ठीक है. अब ये बॉन्ड यहां मूव करेगा and we get the structure as ये यहां मूव करेगा एंड देन ये यहां से ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा एंड वी गेट टू मेक द रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, आज इज वेरी क्लियर. यहां पर जो एटम है दैट इज पुलिंग अवे द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम द बेंजीन रिंग, सो इट इज अ माइनस ग्रुप. पहली बात तो ये क्लियर है. ठीक है, इट इज पुलिंग अवे द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम मेसोमेरिक इफेक्ट, दैट इज वाई इट इज अ माइनस एम ग्रुप. ओके, और यहां पर एज यू कैन सी ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है. क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो लिखिए. इफ द एटम अटैच टू बेंजीन रिंग इफ इन अ ग्रुप द एटम अटैच टू द बेंजीन रिंग is in a group, the atom attached to benzene ring has an empty orbital or has a capacity to create an empty orbital. It pulls the electron cloud from the benzene ring through mesomeric effect and is termed minus M group.
फुल स्टॉप. इट क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. इट क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. इट क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन व्हाइल द मेटा पोजिशन remains unaffected. While the metaposition remains unaffected. Okay? These are some examples of the minus M groups. ठीक है. सो व्हाट एवर वी हैव डन हियर, कुछ पूछना है? Any problems? नहीं, ऐसा कुछ खास ऑर्डर नहीं है, पर हाँ समवॉट सिमिलर है, कुछ कुछ है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ये. कुछ पूछते हैं? ओके, अब एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट से इफेक्टिव बात करते हैं. लेट अस से हमारे पास CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, चार CH2 है, ठीक है. और यहां पर कोई ग्रुप अटैच है, मुझे नहीं पता कौन सा ग्रुप है, ठीक है. और यहां पर आई हैव अटैच्ड फ्लोरीन. अब देखो फ्लोरीन यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि कोई एक्सेप्टर नहीं है, तो यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट, कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं है, ठीक है. नाउ फ्लोरीन स्टिल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो जब फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन का ये जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है. फ्लोरीन के ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, कार्बन के ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है. अच्छा, अपने दिमाग में एक बात बहुत अच्छी तरह डाल दो, पहले भी बता चुका हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नेगेटिव और ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. क्लियर? तो इस बात पर मत जाना कि फ्लोरीन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है, इस बात पर जाना कि फ्लोरीन हैज अ टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन और इस वजह से फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. क्लियर? अब अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फ्लोरीन है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इन टर्न वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है. पर हां, एक बात का ख्याल रखना कि फ्लोरीन के पास जितनी डेफिशिएंसी है उतनी कार्बन के पास नहीं आएगी, उससे कम आएगी. इट विल बी समवॉट क्वेश्चन,
ठीक है, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन के पास भी एक डेफिशिएंसी आएगी। अगर फ्लोरीन के ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हुआ तो इस कार्बन के ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। अब डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होने का मतलब यह है कि यह कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब बी वेरी क्लियर, यह उतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता जितना फ्लोरीन खींचेगा, तो इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, बट दैट वुड बी अ डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, कुछ में से कुछ और। ठीक है, यहां पर दो की जगह तीन डेल्टा हो जाएंगे और यहां पे तीन की जगह चार डेल्टा हो जाएंगे। इनफैक्ट यहां तक पहुंचते पहुंचते इतना कम हो जाएगा कि इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके लिए मैं अक्सर एक एग्जांपल लेता हूं कि लड़े से आप मेट्रो के अंदर चढ़े, भीड़ बहुत है, तो आपने चढ़ने के लिए जो सबसे गेट पर था उसको धक्का दिया। जब उसको धक्का दिया तो ऑब्वियसली उसका धक्का आगे ट्रांसफर होगा, उसके पीछे वाले को धक्का लगेगा, फिर उसके पीछे वाले को धक्का लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हर बार वो जो धक्का लग रहा है वो कम होता चला जाएगा। ये नहीं कि जो मेट्रो के बीच में खड़ा हुआ है उसको बहुत ज्यादा जोर के धक्का लग गया, उसको तो शायद पता भी नहीं चलेगा कि गेट पे क्या धक्का मुक्की हो रही है। तो ये धक्के डिस्टेंस के साथ साथ कम होते चले जाते हैं। तो दिस इज मोर लाइक दैट पुश और मे बी पुल। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा ये पुश या पुल डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। यहां पर ये एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहां पे डायपोल मोमेंट है, यहां पे चार्ज सेपरेशन है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, तो ये एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और इसकी पोलैरिटी के चलते इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, जिसने इस बॉन्ड को जो सपोजिटली नॉन पोलर होना चाहिए था, क्योंकि दोनों कार्बन के बीच में बना है, उसको पोलर बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर जो पोलैरिटी आई उसने इसे पोलर बना दिया, यानी कि ये पोलैरिटी आगे शिफ्ट होती चली जा रही है। ठीक है, इट इज द पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड और पोलराइजेशन ऑफ अ बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पोलराइज्ड बॉन्ड। ये टर्म समझ में आ रही है? इट इज पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पोलराइज्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब डेफिनेशन लिख लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट, पोलराइजेशन ऑफ अ बॉन्ड, polarization of a bond due to the presence of a polarized bond is termed inductive effect. ठीक है, इट ट्रेवल्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड रैपिडली डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। ठीक है, here also, जो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स होते हैं उनको हम प्लस ग्रुप्स बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप्स होते हैं उनको हम माइनस ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फुल स्टॉप। The lower electronegativity groups push the electrons and are termed plus I groups
and are termed plus I groups, while higher electronegativity groups pull the electron cloud. Higher electronegativity groups pull the electron cloud and are termed minus I groups. अब एक बात का ख्याल रखना कि प्लस आई और माइनस आई सारा का सारा इस बात पर डिपेंडेंट है कि जो दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनकी रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है. अब जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास ये है सी एच थ्री ग्रुप और सी एच थ्री ग्रुप एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, तो बी वेरी क्लियर, बेंजीन रिंग में कार्बन एसपी टू हाइब्रिडाइज़र और सी एच थ्री में कार्बन एसपी थ्री हाइब्रिडाइज़र. sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होती है, तो CH3 becomes an electron pushing group. ठीक है, so here CH3 becomes a plus I group. ठीक है, on the other hand अगर यही CH3 group O negative के साथ attached है तो O negative is not an electron pulling group. Oxygen के ऊपर negative charge है. Negative is opposite of electronegative. तो यहाँ पे oxygen is no longer a minus I group. It actually becomes a plus I group. तो वहाँ पर CH3 electron को हल्का सा खींचता भी है. ठीक है? Is it clear? और एक important बात. अब जैसे कि यहाँ पे CH3 है. अब let us say हमारे पास CH2, CH3 है. अब CH2CH3 के अंदर होता क्या है कि हमारे पास ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और यहां पर एक CH3 लग गया. ये CH3 क्या करता है, इस हाइड्रोजन को ऐसे धक्का मारता है. जब धक्का मारता है तो हाइड्रोजन और CH3 इस कार्बन पे ज्यादा जगह घेर लेते हैं. जब ये ज्यादा जगह घेर लेते हैं तो यहां पर जो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको कार्बन पर कम जगह मिलती है और ये इजियर टू पुश हो जाता है. Is it clear? तो अगर यहां पर मैं एक CH3 लगा देता हूं तो this becomes a better electron pushing group through inductive effect. अगर मैं obviously यहां पर दो CH3 लगा दूं तो ये और ज्यादा जगह घेरेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करना और आसान हो जाएगा एंड इट बिकम्स इवन बेटर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप. अगर मैं यहां पर भी लगा दूं तो दिस विल बिकम द बेस्ट इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप. इज इट क्लियर? ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहां पर CH3 CH2CH3 लगा दूं तो बी वेरी क्लियर वो इसके इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट को एनहांस करेगा. तो इफेक्ट तो इसका भी बढ़ेगा लेकिन ध्यान रखना CH3CH CH3 इसका इफेक्ट CH3CH2CH2 से इसका इफेक्ट ज्यादा होगा. वेरी ऑब्वियस, क्योंकि यहां पर इसने इसको पुश किया, इसने इसको पुश किया, यहां पे दोनों ने इसे पुश किया. इज इट क्लियर? तो प्रोपाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट आइसोप्रोपाइल से कम है. इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है, सारी चीजें रिलेटिव है, रिश्तेदारों में ही काम करना सारा. ठीक है, ये माइनस एम है, माइनस आई है, तो वेरी ऑब्वियसली ये प्लस आई हो गया ना. अगर ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो ये पुल इसीलिए कर पा रहा है ना क्योंकि ये पुश कर रहा है. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज्यादा, तो रेफरेंस ग्रुप आपको तो हर जगह डिसाइड करना ही पड़ेगा. ठीक है, किस ग्रुप में आप इफेक्ट देख रहे हो और किसका इफेक्ट देख रहे हो, दोनों चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी. जिसका इफेक्ट देख रहे हो वो माइनस या प्लस हो जाता है, जिस में इफेक्ट देख रहे हो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा या कम हो जाती है. इज इट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? मैं सोच रहा हूं कल की क्लास 9 बजे शुरू कर दें. नहीं, प्रॉब्लम फिर वही पुराने वाली है, या तो मैं स्पीड बढ़ाऊं या कोर्स उड़ाऊं,
ये टाइम बढ़ाओ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। कैसे बढ़ाओ? ऑप्शन नहीं है मेरे पास, चाहता नहीं हूं तीन घंटे करना। बताओ तुम्हारा कोर्स जो है ना अभी इस समय आज की तारीख में हमारा आइसोमेरिज्म खत्म हो जाना चाहिए था, और उसमें ऑप्टिकल और कॉन्फॉर्मेशनल, ठीक है। जीओसी शायद कब आ रहा आपका, आ गया ना? सैटरडे को जीओसी पूरा आ रहा है, और उसके बाद मंडे को क्या आ रहा है? अच्छा, इनऑर्गेनिक एनालिसिस। अभी ये थोड़ा दो हफ्ते पीछे चल रहे हैं। टेस्ट पेपर में आप दो हफ्ते पीछे चल रहे हो, बट शेड्यूल के हिसाब से दो हफ्ते आगे हो गए, उसके हिसाब से हम पीछे हो गए। टेस्ट के हिसाब से हम आगे हैं, बट शेड्यूल के हिसाब से पीछे हो गए हैं। और अब कोर्स और तेज जा रहा है। आई हैव एब्सोल्युटली no intention to increase the time, but I don't have an option. Problem ये है। और अब वही बात है ना कि नारायणा को blame करने का कोई benefit नहीं है, कोई benefit तो है नहीं। Agreed, आपको भी गुस्सा आ रहा है, पता नहीं मुझ पे या नारायणा पर, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। इसके मानने से क्या होता है, मेरे को भी तो मानना पड़ेगा, हमको तो मेरी क्लास लेने। तुम्हारा क्या, तुम तो कह रहे हो सर रात को शुरू करो और सुबह तक चलते रहो, तुम्हें तो घर से निकाला हुआ, मेरा भी तो घर है। बेटा मेरे एक और प्रॉब्लम है ना, मेरी जान को दो बैच है, एक फर्स्ट बैच भी है, उसको मैंने आज शाम को 5 बजे तक रोका हुआ है। हाँ ब्रेक ब्रेक, तो तुम ये चाहते हो कि 9 से 10:30 की क्लास ली जाए, फिर 10 मिनट का ब्रेक देके 10:40 से 12 बजे तक क्लास की जाए। हट, खुश मत हो ज्यादा। चलो एक काम करते हैं, इस हफ्ते कोशिश करते हैं, अगर कवर हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले हफ्ते से फ्री ही है, ट्यूजडे ऑनवर्ड्स कर लेंगे, ठीक है। अभी 2 दिन का तुम्हें प्रिपरेशन टाइम दे रहे हैं अपने आप को समझाने का। ओके देन, अभी क्या, ओके चलिए, ये 3 मिनट का ब्रेक था और अब हम आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। सो दैट वाज द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें? अब एक ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। Now we talk about 3 examples. हमारे पास एक कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड टॉलुइन। देन वी हैव CH2, CH3, इथाइल बेंजीन। Isopropyl benzene, and we have the tertiary butyl benzene or neobutyl benzene. जब हम इन चार कंपाउंड्स की बात करते हैं, then in that case एक observation है, and mind it, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि chemistry is all about guru observation, जो वो कहते हैं हमें मानना होता है। तो गुरु ऑब्जर्वेशन हमें यह बताते हैं कि जब हम इस बेंजीन रिंग की बात करते हैं जिसके ऊपर CH3 अटैच्ड है, तो इस कंपाउंड के अंदर ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाकी सारे कंपाउंड में सबसे ज्यादा है। ऑब्जर्वेशन, ठीक है।
इसमें ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाकी सब में सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन जी ने हमें दे दिया। अब हम इसमें सोच रहे हैं, देखो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड से ट्रैवल करता है, वो रस्ते में से ट्रैवल करता है और रस्ते में इसका इफेक्ट रस्ते के साथ साथ कम होता चला जाता है। तो यहां पे अगर हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, देन इन दैट केस एग्रीड ऑर्थो के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड मेटा की होगी, फिर पैरा की होगी, लेकिन यहां पे ऑर्थो और पैरा की ज्यादा है, मेटा बीच में स्किप हो गया। और मेटा स्किप सिर्फ एक केस में होता है, जब इफेक्ट इंडक्टिव ना हो, मेसोमेरिक हो। तो इसका मतलब यह हुआ, ऑब्जर्वेशन टेल्स अस दैट CH3 इज शोइंग मेसोमेरिक इफेक्ट। ये ऑब्जर्वेशन है। फर्दर यहां पर भी ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, पर उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इसमें है। यह भी उल्टा है, क्योंकि यहां पर तो एक और CH3 साथ में लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ज्यादा होना चाहिए ना। यहां पे तो दो CH3 लगे हुए, इलेक्ट्रॉन पुशिंग बहुत ज्यादा होना चाहिए ना, ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, पर इसके अंदर ऑर्थो मेटा पैरा के अंदर वही चलता है, इसमें कोई इफेक्ट ही ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा पुशिंग है ही नहीं, तो ये बिल्कुल उल्टा ऑब्जर्वेशन हो रहा है। अब सीधी सीधी बात है, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें इस ग्रुप को मेसोमेरिक इफेक्ट करवाना है। अब इस पे मेसोमेरिक इफेक्ट हो कैसे सकता है, तो अब हम तुक्का मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और अच्छा तुक्का हो तो आप बता सकते हो। यहां पर लोगों ने कहा कि देखो यहां पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एक कार्बन के ऊपर तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहां पर इस कार्बन के पास एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके अंदर या तो डबल बॉन्ड है, या एम्प्टी ऑर्बिटल है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सीधी सीधी भाषा में इस ग्रुप के पास जो एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन वेकेंसी है, मतलब कि इसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इसकी कैपेसिटी है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वजह से ये ग्रुप इस कार्बन को कहता है कि आई वांट द इलेक्ट्रॉन पेयर, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन से खींचने की कोशिश करता है, तो कार्बन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को रिक्वेस्ट करता है कि देख मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर को इन्वेस्ट करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अगर अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, आई विल रिटर्न इट बैक। तो हाइड्रोजन कहता है ठीक है, वैसे भी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो ये तो इसका सपोर्ट मिल गया इसलिए कार्बन उछल रहा है, वरना कार्बन की औकात नहीं है इलेक्ट्रॉन खींचने की कार्बन हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फॉर दैट इंस्टेंट यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन के ऊपर यहां पे पॉजिटिव, यहां पे हाइड्रोजन है और ये ग्रुप है, और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर एंड अ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब ये जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट हुआ है वो अब इस ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट कर सकता है, ठीक है। बट ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा थोड़ी ना, थोड़ी देर के बाद कार्बन से कहता भैया इलेक्ट्रॉन वापस कर भाई, कितनी देर के लिए लेके बैठा हुआ है, तो कार्बन कहता ओके, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और यहां से एक्सेप्ट कर लेता है दूसरे हाइड्रोजन से, तो स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट हो गया। अब ऑफकोर्स ये वाला हाइड्रोजन भी वापस मांगेगा, जब इसने वापस मांगा तो इसने इससे ले लिया, एंड वी गेट द स्ट्रक्चर। और जब इस हाइड्रोजन ने वापस मांगा तो इसने फिर से इस हाइड्रोजन को बोला कि देख जब तूने वापस मांगा था मैंने वापस दे दिया था ना, अब दे दे, ठीक है। तो इस सारे चक्कर में क्या हुआ कि ये टोपी जो है वो इन तीन हाइड्रोजन पे घूम रही है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर परमानेंटली क्रिएट हो गया जो कि उसने कॉन्जुगेशन में कंज्यूम कर लिया, ठीक है। इज इट क्लियर, फाइन, ठीक है ना।
तो एक बात यहां पे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि इस कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन अटैच्ड है उसके लिए इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट करना उतना आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर मैंने इसको CH3 बना दिया तो लास्ट में जब ये इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो कार्बन कहेगा भाई मैं भी वही हूं, मैं भी कार्बन हूं हमसे ही। तो कार्बन कहता भैया मैं नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन। तो अब इस कार्बन के पास यही ऑप्शन रह जाता है कि दो हाइड्रोजन से ही इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा और दो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर एक और CH3 लगा दिया तो फिर तो एक ही हाइड्रोजन, अब एक हाइड्रोजन कह गया क्या कमाल कर रखा है मुझे लूट रखा है, दे ही नहीं रहा मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे ही नहीं दे रहा, तो एक हाइड्रोजन बहुत रिलक्टेंट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर आपने तीनों ही CH3 बना दिए तो कार्बन कहेंगे ले ले अब इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, तो हम सारे कार्बन ही है हाइड्रोजन तो है ही नहीं। ठीक है, तो दैट इज हाउ वेरी ऑब्वियसली कैसे शो करेगा यहां पर नहीं कर पाएगा ना, यह इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, सो नाउ वी फाइंड दैट इफ वी कंसीडर दिस टू बी ट्रू, इफ वी कंसीडर दिस टू बी ट्रू देन वी कंसीडर कि CH3 हैज अ कैपेसिटी टू शो मेसोमेरिक इफेक्ट, बट CH3 के पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट करना पड़ रहा है, यानी कि इट इज नॉट सिंपल कॉन्जुगेशन, इट इज समथिंग मोर देन कॉन्जुगेशन। और जब भी कोई चीज जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाती है, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है उसको टेंशन को हाइपर टेंशन बोलते हैं। ठीक है, और एक हाइपर स्पीड होता है, यानी कहीं से एक्सेप्टेंस से थोड़ा ज्यादा हो जाता है वो हाइपर हो जाता है। तो यहां पर भी ये कॉन्जुगेशन से थोड़ा ज्यादा हो गया है तो इसलिए इस इफेक्ट को हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। Is it clear? एक मिनट। मैंने ये कब कहा कि इसे ऐसा करना है? मैंने ऐसा क्यों? मैंने कहा कि इसे ऐसा करना है? मैंने क्या बोला? ऐसा होता है। We are not predicting it. कि ऐसा होना चाहिए। We are not predicting it. We are observing it. ऐसा होता है। एक मिनट। यार तुम फिर वही बात कर रहे हो। तुम ये बात करो कि ऐसा क्यों नहीं होता? अरे मुझे क्या पता क्यों नहीं होता? मुझे तो बस इतना पता है ऐसा होता है। ठीक है? And don't ask me ऐसा क्यों होता है। You have to tell me ऐसा होता है, क्यों होता है? खुद सोचो। ठीक है, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि तुम रास्ते पे चल रहे थे, एक साइकिल वाले ने टक्कर मार दी और मुझसे आगे करो, सर साइकिल वाले ने मुझे टक्कर क्यों मारी? मैं क्या करूं, मुझे क्या पता? ना मैं साइकिल वाले को जानता, ना मैं ये जानता उसने टक्कर क्यों मारी, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब सेम वे यहां पर यह कॉन्जुगेशन होता है। यहां पर ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑर्थो एंड पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है पर उतनी ज्यादा नहीं है, और यहां पर ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन है। अब मैं क्या करूं उसमें? भाई देखो, झूठ तुमने भी बोलना है, झूठ मैंने भी बोलना है, तो अपनी सेटिस्फैक्शन का झूठ तुम खुद ही बोल लो ना। समझ आई बात? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सकता, बट अगेन द क्वेश्चन इज क्यों दूं? आंसर मैं दे दूंगा, तुम उसे सच मान लोगे, तुम उसे सही मान लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत आराम से बोल सकता हूं कि एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द स्प्रेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा स्प्रेड होता चला जाता है, जितना न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आता जाता है उतना स्टेबल होता जाता है, एंड दैट इज व्हाई कार्बन टेक्स अवे द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड पुल्स इनटू द बेंजीन रिंग और अनदर बॉन्ड सो दैट द इलेक्ट्रॉन इज स्प्रेड। बोल सकता हूं, लॉजिकल लगता है, बट ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता है ऐसा होता है। समझ में आई बात? ठीक है, हाँ, यहां पे हम कुछ कंडीशंस बता सकते हैं, और वो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं ग्रुप से अटैच्ड, उसके पास जितने हाइड्रोजन ज्यादा होते चले जाएंगे उसके लिए इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट करना उतना आसान हो जाता है और उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट कर पाता है।
ये ऑब्जर्वेशन है फिर से, ठीक है। अब जैसे कि ये ग्रुप है, कोई सा भी ग्रुप जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ जो ये कार्बन अटैच्ड है, तो बाय डेफिनेशन ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है। तो इस अल्फा कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा आसान है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आपको सबसे पहले ऐसा ग्रुप आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर पाई बॉन्ड है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और फिर उस ग्रुप के साथ अटैच्ड अल्फा कार्बन काउंट करने और अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। जिस किसी स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा है। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, मोर आर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अब मैं पूरी कहानी नहीं बोल रहा हूं, मोर आर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, फुल स्टॉप। इन केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इन केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन द फंक्शनल ग्रुप इज द एटम। इन केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फंक्शनल ग्रुप इज द एटम कंटेनिंग एन एम्प्टी ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अ पाई बॉन्ड। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? ठीक है। दिस इफेक्ट वॉज प्रपोज बाय बेकर एंड नेथन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकर नेथन इफेक्ट। एंड फर्दर, ये एक ऐसी रेजोनेंस है जहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। यहां पर बॉन्ड है, यहां पे बॉन्ड नहीं है, यहां पर बॉन्ड है, यहां बॉन्ड नहीं है। तो इस वजह से किसी किताब में लिखा होता है बॉन्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, और किसी किताब में लिखा होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। Is it clear? So that is what we have as hyperconjugation. These are the three name of the same effect. अब जरा थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ example देखते हैं कि कहां कहां hyperconjugation हो सकता है, ठीक है। यहां पर functional group is the one which contains the emptiness. It could be a pi bond, it could be unpaired electron, it could be an empty orbital. ठीक है, so we could start with something called this. ठीक है, वी कुड हैव दिस, स्ट्रक्चर आपके सामने बने हुए हैं। इन सब के अंदर एल्कीन है, ये एल्कीन का मतलब पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का मतलब है मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप दे दिया जो हाइपर कॉन्जुगेट कर सकता है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, इन सब में हर किसी में कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है। सिंपल सी बात, काउंटिंग करो जल्दी से, जस्ट टेल मी अल्फा हाइड्रोजन इन ईच ऑफ द ग्रुप और लिख दो उनको। जल्दी करो, यू जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इन ईच।
बेटा स्ट्रक्चर बना के लिख देना, लिख दिए यार, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो बना लो, एग्जाम्पल्स हैं ये, क्वेश्चन हैं। हाँ हाँ ठीक है, सही कर रहे हो बिल्कुल। वंशु जी लिख लिए, इसमें कितने हैं? ओके, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? डेफिनेशन क्या लिखी है फंक्शनल ग्रुप की? यहां मैंने डेफिनेशन लिखवाई है ना, फंक्शनल ग्रुप इन द हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, क्या होता है? वेरी गुड। और पाई बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? ओके, इसमें जो पहला एग्जांपल है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? डबल बॉन्ड है या कार्बन है? डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। मैंने क्या लिखवाया है? मैंने फंक्शनल ग्रुप एटम और एम्प्टी ऑर्बिटल को लिखवाया है या एटम को लिखवाया है? एटम। तो ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप है या साथ में जुड़ा हुआ उसके? इसमें फंक्शनल ग्रुप मार्क करो, इस कंपाउंड में मार्क करो फंक्शनल ग्रुप, मार्केट स्टार लगा उसमें फंक्शनल ग्रुप पे, यही है बस, दूसरा कार्बन नहीं है फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, मार्क करो सभी। अब अल्फा कार्बन मार्क कर, मार्क कर। तो फिर अल्फा हाइड्रोजन कहां से आ गए? जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आ गया? क्या कर रहा है ये, क्यों नहीं बढ़ा? हाँ भाई हो गया, ओके बोल आंसर फटाफट। पहले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? जीरो। एक से पूछा मैंने, सबसे नहीं हो। दूसरे में? तीन। तीसरे में? चौथे में? नौ। पांचवे में? बारह। छठे में? चार। कोई डाउट? छठे में कितने हैं? खड़ा हो। बारह बारह बारह, जल्दी से आ जा। इन सारे कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप है उस पे स्टार लगा दे। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन दी थी याद है? फंक्शनल ग्रुप इज द एटम, फंक्शनल ग्रुप इज द एटम विच कंटेन्स द पाई बॉन्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चल मार्क कर फंक्शनल ग्रुप सबने। जल्दी कर, मार्क कर, कोई सा भी नहीं है फंक्शनल ग्रुप इस पूरे कंपाउंड के अंदर, ऐसा इन सब में ऐसा कोई एटम नहीं है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। सर इसमें पाई बॉन्ड है। किस पे है? कार्बन के पास। तो कार्बन फंक्शनल ग्रुप हुआ या नहीं हुआ? तो मार्क कर चल, अभी कह रहा कहीं पे भी नहीं है तो मार्क कर ना, मैंने कब मना किया है? सारे हैं तो सारे मार्क कर दे भाई साहब। यहाँ पे स्टार लगा उसके ऊपर, एटम के ऊपर। हाँ बस एक ही है तो मार्क कर, जल्दी कर, करता जा। हाँ कर, हाँ कर, बिल्कुल सही, आगे कर, वेरी गुड।
वेरी गुड। और वेरी गुड। अब एक काम कर, अल्फा कार्बन का माफ कर, अल्फा कार्बन माफ कर, हाँ इसमें तो कोई नहीं आ रहा। परफेक्ट, आगे बढ़। इसमें तो अल्फा कार्बन सर कोई बोला ना, उसको यहीं बिठा दूंगा परमानेंटली। अल्फा कार्बन होता कौन सा है? अल्फा कार्बन कौन सा होता है? परफेक्ट, फंक्शनल ग्रुप मार्क कर दिया ना। अब इसके साथ जितने कार्बन अटैच है मार्क कर। अरे ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, मार्क कर। अल्फा लिखा, आगे लिखा, ये वाला और ये वाला हो जाएगा। परफेक्ट, आगे बढ़। इसके साथ ये ये हो जाएगा और इसके हाँ मार्क कर, ये भी होगा और ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो। परफेक्ट। और इसमें सर ये वाला हो जाएगा। परफेक्ट, ये हो जाएगा, ये नहीं। परफेक्ट। अब हाइड्रोजन काउंट कर, अब सबके नीचे हाइड्रोजन लिखता जाए, अल्फा हाइड्रोजन। लिख तीन, बस तीन लिख, आगे इसमें आगे नंबर लिख सीधा, लिख सर हो जाएंगे। गुड, आगे लिख। इसमें नौ सर। बिल्कुल। इसमें सर बारह। बिल्कुल सही। इसमें चार। परफेक्ट। जा, दिक्कत क्या थी सर? दिक्कत क्या थी? बस बैठ जा बेटा। दिक्कत ये नहीं होती कि तुम्हें आता नहीं है, दिक्कत सिर्फ ये होती है कि तुम्हें जो बताया जाता है तुम उस पे ध्यान नहीं देते हो। और मैंने कुछ नई चीज नहीं बताई, वो लिखा हुआ तुम्हारी कॉपी में। स्टेटमेंट्स को एग्जैक्ट फॉलो करते जाओ, फंसोगे ही नहीं। केमिस्ट्री कई बार मुझे अल्टीमेट बोरिंग लगती है, मुझसे पढ़ी नहीं जाती, मैं नहीं पढ़ता। कोई मुझे कहता नहीं बहुत अच्छी किताब है, मैं दो पेज भी क्या, दो लाइनें पढ़ता मैं इरिटेट हो जाता हूं, बोर हो जाता हूं। कुछ तो नया बता दे, केमिस्ट्री में कुछ भी नया नहीं होता, सब कुछ पुराना है, सब कुछ वही है, सभी वही एक एक स्टेटमेंट वर्क करती है। उन्हें लगाते चले जाओ, बोर हो जाते हो केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन में कुछ नया होता ही नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारी ये होती है, तुम हर क्वेश्चन को, अभी ये क्वेश्चन आ गया, अरे वाह क्या प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग देख दिए क्या तुम्हें, इतना बड़ा क्वेश्चन स्केल से नापना है क्या, ये देख पूछा क्या, बता खत्म कर, आगे बढ़। और सबका एक तरीका, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए तरीका सीधा सीधा है, फाइंड द फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि द एटम विच हैज द एम्प्टी ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और द पाई बॉन्ड, सारे के सारे वो एटम मार्क कर दो, ठीक है। उसके बाद अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन मार्क कर दो, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, पता चल गया आंसर, खत्म। पर तुम्हारी क्या दिक्कत है, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे होगा, ले ठीक है करता रहे फिर, फिर तो हो लिया तुमसे। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन जो अक्सर आता है, आईआईटी में पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हाँ तुम्हारे नारायणा के टेस्ट में जरूर आता है, वो ये, विच वन इज मोर स्टेबल। अब स्टेबिलिटी एक बहुत ही वाहियात सा स्टेटमेंट है, बहुत ही वाहियात सा वर्ड है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। स्टेबिलिटी हमेशा कंपेरेबल होती है, कंपैरेटिव होती है। कंपैरेटिव में स्टेबिलिटी के भी क्राइटेरिया है। अब जैसे अगर कोई एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करता है, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी के दो क्राइटेरिया है। पहला, इसको अगर हाइड्रोजनेट करते हो तो कितनी एनर्जी निकलती है, और दूसरा, इसे अगर बर्न करते हो तो कितनी एनर्जी निकलती है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि वी कंपेयर द एल्कीन्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, क्योंकि जितने पाई बॉन्ड बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली एनर्जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब अगर मान लीजिए यहां पर इसके साथ आपको यह दे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, अब यहां पे इन सारे एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन है, जबकि इस एल्कीन में कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन डॉमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो स्टेबिलाईजेशन के हिसाब से यह ज्यादा स्टेबल होना चाहिए,
लेकिन अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि कौन से एल्कीन में एनर्जी ज्यादा निकलेगी हाइड्रोजनेशन को, तो आंसर ये होगा, कारण इसमें दो डबल बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड की एनर्जी बाकी सबके एक पाई बॉन्ड की एनर्जी से तो ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है तो इट शुड बी द कंपैरिजन द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड, हर पाई बॉन्ड की एनर्जी कितनी है वो कंपैरिजन करोगे तो स्टेबिलिटी का ट्रेंड आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, फाइन। तो अब अगर इन सारे एल्कीन्स को कंपेयर किया जाए हाइड्रोजनेशन एनर्जी के हिसाब से, तो हाइड्रोजनेशन एनर्जी के हिसाब से इस एल्कीन की हाइड्रोजनेशन एनर्जी सबसे कम होगी। जो स्पीशी जितनी ज्यादा स्टेबल है वो रिएक्शन करने में उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या उतनी कम एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो अगर इन एल्कीन्स को हाइड्रोजनेशन एनर्जी के हिसाब से अरेंज किया जाए तो आप सीधा सीधा इनको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हो, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो उतना ज्यादा स्टेबल है, उसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी उतनी ही कम है। Am I clear? तो इस तरीके से एल्कीन को हाइड्रोजनेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। Is it clear? ठीक है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है कंबशन, ठीक है। अब कंबशन भी बहुत सीधा सीधा है, जितनी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी कंबशन एनर्जी उतनी कम होती चली जाएगी, लेकिन वहां पे भी एक दिक्कत है। अरे भैया, मीथेन और इथेन में कंबशन एनर्जी इथेन की ज्यादा होगी क्योंकि इथेन का मॉलिक्यूल बड़ा है, और हम केमिस्ट्री में कंबशन एनर्जी पर मोल की बात करते हैं, फिजिक्स में पर ग्राम की बात की जाती है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो पर ग्राम इज अ बेटर वर्ड, क्योंकि पर ग्राम में आपका हिसाब किताब हो जाता है कि भैया बड़ा मॉलिक्यूल तो भी हम छोटे की बात कर रहे हैं, एक ग्राम की बात कर रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूलर मास को आप उसमें ओवरकम कर जाते हो। अगर यहां पे सारे एल्कीन्स की बात की जाए तो वेरी ऑब्वियसली इस एल्कीन और इस एल्कीन की कंबशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर पर ग्राम की बात की जाए तो अलग हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट जब हम कंबशन एनर्जीज की बात करते हैं तो इट इज वेरी नाइस टू कंपेयर द आइसोमर्स, क्योंकि आइसोमर में मास का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है, तो फिर सीधा सीधा कंबशन एनर्जी स्टेबिलिटी का फैक्टर दे देगी। अब यहां पर अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इसकी कंबशन एनर्जी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, इसमें कम अल्फा हाइड्रोजन है, ये कम स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन दिस एल्कीन। और एक बड़ा मजेदार सा कंसेप्ट ये रिएक्शंस में हो जाता है, अगर किसी रिएक्शन में इस एल्कीन और इस एल्कीन दोनों के बनने की पॉसिबिलिटी हो तो ऑब्जर्वेशन ये बताते हैं कि ये एल्कीन मेजर बन जाता है, ठीक है। पहले सुनो फिर लिखवा दूंगा। इफ इन अ रिएक्शन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू आइसोमेरिक एल्कीन्स, देन द एल्कीन विच इज मोर स्टेबल इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एल्कीन की स्टेबिलिटी डोमिनेंटली हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होता है, और अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन ऑन फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन भी किसका? अल्काइलेशन का। तो इट इज ऑब्जर्व मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अल्काइलेटेड वर्ड समझ में आया? अल्काइलेटेड वर्ड का मतलब यह है कि इस डबल बॉन्ड सी के साथ कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा अल्काइलेटेड है, इसके पास ज्यादा अल्फा कार्बन है, इसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड है, यह ज्यादा स्टेबल है, एक दो तीन चार काफी सारी चीजें, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये। समझ आया? कोई दिक्कत? इस स्टेटमेंट को कहा जाता है सेट्ज़ेफ रूल। तो मैं
सेटजेफ रूल की ओरिजिनल स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, उसके आगे जितना आपने कहानी लिखनी है आप लिख सकते हो, मुझे खुद आलस आता है लिखवाने में। लिखिए, इफ इन अ रिएक्शन देर इज अ पॉसिबिलिटी, इफ इन अ रिएक्शन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन of two isomeric alkene, if in a reaction there is a possibility of two isomeric alkene, formation of two isomeric alkene, then the more alkylated alkene, then the more alkylated alkene is the major product। ठीक है, अल्काइलेशन का मतलब है मोर अल्फा कार्बन, मोर अल्फा कार्बन का मतलब है मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, और मोर हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब है मोर स्टेबिलिटी। अब इसे कहानी को तुम जैसे लिखना चाहो लिख लो। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? याद रहेगा? भूलेगा तो नहीं? I'll just make the carbocations, ठीक है? अब एक सिंपल सी बात है, carbocation में hyper conjugation का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे स्प्रेड हो रहा है। देखो, hyper conjugation में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज को शेयर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज उतना स्प्रेड हो जाएगा, एंड वेन एवर द चार्ज इज स्प्रेड, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इट बिकम्स मोर स्टेबल। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो ये आपको मुझे बताना है कि इन कार्बोकेटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर का सिर्फ एक लॉजिक है, चार्ज कितना स्प्रेड है। आंसर, इसमें भी तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने है। कृपया दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल मत करना, तो तुम्हारे दिमाग से परेशान हूं मैं, जहां तहां लगा देते हो जहां भी जरूरत नहीं होती। हाँ भाई, लगा जल्दी कर, काम नहीं, दिमाग मत लगाइए, सिर्फ रूल्स लगा। ओके, नाउ अरेंज देम मोस्ट सिविल। सबसे पहले लिखो, अब एक बार बताओ, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है ना, इससे पहले कौन सा इफेक्ट किया था? इंडक्टिव। अब वो चेक कर लो। अल्टीमेटली जब स्टेबिलिटी की बात करनी होती है ना, तो सारे इफेक्ट्स वर्क होते हैं, तो पहले आपको यही लिस्ट बनानी पड़ती है कौन कौन से इफेक्ट वर्क कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है कॉन्जुगेशन की, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन की, उसके बाद इंडक्टिव की। हाँ भाई, देख लिया? स्टेबिलिटी ऑर्डर में लेस से मोर कर दो या मोर से लेस कर दो, अरेंज चाहिए मुझे। लेस देन ग्रेटर देन का साइन तो तुम्हें पता ही है, जहां पे ज्यादा होता है वहां पे मगरमच्छ मुंह खोल देता है। अरेंज स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? दो पे ही आएगा। खड़ा बारह, जल्दी आ जा, बाहर आ जा, अबे आ जा, रहने दो, क्या मतलब, चल बाहर, बाहर आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, बाहर आ।
जो उसने किया था ना, एग्जैक्टली वही काम करना। चल ज्यादा बोल रहा था उस समय, चल चलेगा। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप स्टार, फिर अल्फा हाइड्रोजन पे अल्फा, फिर अल्फा कार्बन का नीचे नंबर। चल जल्दी कर, फंक्शनल ग्रुप मार्क कर इन सब में। पहले डेफिनेशन क्या है फंक्शनल ग्रुप की? हाइपर कॉन्जुगेशन में फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन बोल रहा बेटा मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? बोली थी ना, लिखवाई थी ना, द एटम विच कंटेन्स द एम्प्टी ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। चल मार्क कर सब में पहले। हाँ गुड, कर भाई लोगों इधर देख लो। हाँ जल्दी गुड, आगे कर। गुड, अब अल्फा कार्बन मार्क कर, ये कुछ नहीं है। चलो अब अल्फा कार्बन मार्क कर। अल्फा कार्बन है इसमें, थोड़ा आगे बढ़, मार्क कर। अल्फा कार्बन, अल्फा लिख स्टार मत लगा, कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ गुड, अब नीचे अल्फा हाइड्रोजन लिख। क्यों कर रहा था गलती? तुमने क्या नहीं किया वो मुझे पता है, पर ऐसा क्यों किया? चल वापस। यार मुझे सही में समझ में नहीं आता कि तुम्हें अपने नंबरों से क्या प्रॉब्लम है। मुश्किल था क्वेश्चन? फिर अब अगर यहां पे इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल। ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये थर्ड नंबर पे आएगा, ये फोर्थ नंबर पे आएगा और ये लीस्ट स्टेबल आएगा। रीजन, उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन फिफ्थ और फोर्थ में सेम है क्योंकि दोनों में जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन उसमें इंडक्टिव इफेक्ट ही है। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात? बोलो क्या अल्फा हाइड्रोजन काउंट हो गए? अल्फा हाइड्रोजन काउंट हो गए? क्यों हाइड्रोजन पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकते? कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया है। बेटा यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज का एम्प्टी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, हाइड्रोजन प्लेनर है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई नहीं कर सकता। फर्क पड़ रहा है तेरे को? तो क्यों बता रहा है? ये तो वही बात है, कुत्ता तुम पे भौंक रहा, तुम वापस भौं भौं करके उसको बता रहे हो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा तेरे भौंकने से। ऐसे होता है क्या? मैं जब गाड़ी चलाता हूँ बहुत सारे पीछे दौड़ते हैं तो मैं क्या गाड़ी रोक के उनको कहूँ तेरे भौंकने से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा? पलट, फिर पलटा सीधा बैठ। व्हेन यू टेल समबडी कि उसके बोलने से फर्क नहीं पड़ रहा, उससे पता चल जाता है कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है।
Is that clear? Yeah. Okay. Next example. ये वो बंदा है जो कभी अगर अपनी गाड़ी लेके जाएगा ना तो अपने अपने डेस्टिनेशन में कम से कम आधा घंटा लेट पहुंचेगा क्योंकि रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को भौंक के आएगा. Okay. Arrange them in the stability order. Quickly arrange. हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? सेम एज कार्बो कैटायन चल रहा था, ठीक है. द मोस्ट स्टेबल इज दिस वन क्योंकि यहां पे 9 हाइड्रोजन हाफ पे कॉन्जुगेटिंग है, 1 पे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एंड दिस वुड बी द लीस्ट स्टेबल. क्लियर? अरेंज देम. द लास्ट वन. क्या हुआ? रेडिकल क्यों नहीं लिखा? बेटा तुम्हें पता सब कुछ है फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है. ये वो डेफिनेशन, गलती इतनी सी ही होती है. गलती इतनी बड़ी कभी होती है? अरे गलती तेरी है, मानने से क्या होगा? एग्जामिनेशन में आईआईटी के पेपर लिया, जी मेरी गलती है मैं मान लेता हूँ, नंबर मिल जाएंगे. पता नहीं कैसे किसी बातें करते हैं. ओके, अरेंज हो गया. ओके, अच्छा एक बार बताओ हिमांशु जी, आज आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? फटाफट बताओ इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन है? 9. एग्रीड? किसी को दिक्कत? अबे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं है. कहां है एम्प्टी ऑर्बिटल? कहां है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? कहां है पाई बॉन्ड? है कहीं इसमें फंक्शनल ग्रुप है हाइपर कॉन्जुगेशन वाला? नहीं. हाइपर कॉन्जुगेशन कहां से होगा? कार्बो एनायंस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता. यहां पे इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से आप अरेंज कर ही नहीं सकते, यहां पे सीधा सीधा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा. और मजेदार बात यह है कि दिस इज द मोस्ट स्टेबल. ये लीस्ट स्टेबल है. हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कम है. हाइपर कॉन्जुगेशन तो किसी में है ही नहीं. और यहां पर ये स्ट्रक्चर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उसने एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेट कर दिया है, अनस्टेबल हो गया है वो. इज इट क्लियर? समझ आई बात? बेटा साइज किसके लिए ज्यादा? अगर आपका घर बड़ा होता चला जा रहा है और आपका कमरा छोटा, तो विल यू बी हैप्पी और सैड? घर बड़ा हो रहा है पर आपका कमरा छोटा हो रहा है, तो आपको अपने आपको घर से मतलब है या अपने कमरे से मतलब है? आपको तो कमरे में रहना है ना, घर में थोड़ी ना नाश्ते घूमना है. बी वेरी क्लियर. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल का साइज कितना बड़ा है. वॉट इज इंपॉर्टेंट इज कि चार्ज कितने रीजन पे स्प्रेड है. ये नेगेटिव चार्ज को अल्काइल ग्रुप्स नहीं खींचते, इनके पास जगह ही नहीं है रखने की.
तो ये अल्काइल ग्रुप जितने बड़े होते चले जाएंगे नेगेटिव चार्ज के लिए जगह कम होती जाएगी, बिकॉज अल्काइल ग्रुप विल ऑक्यूपाई अ मोर पोर्शन ऑन कार्बन, तो नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट होता चला जा रहा है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब अनस्टेबल, ठीक है। यहां पर जो चार्ज है वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर साइज बड़ा होने का मतलब स्टेबल। इज इट क्लियर? हमें ये मतलब नहीं है मॉलिक्यूल का साइज कितना, हमें इससे मतलब है चार्ज कितने रीजन पर है। चार्ज के लिए रीजन जितना बढ़ेगा चार्ज उतना स्टेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन है? अब एक मजेदार सा कंसेप्ट है, लेट अस से हमने बेंजीन रिंग के साथ ये अटैच कर दिया इधर, ये अटैच कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने एक बार एक इंटरव्यू में एक टीचर से पूछ लिया था, ठीक है। और पता है मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन कब होती है, जब कोई बंदा मेरे सामने आके कहता है मुझे सब आता है, जो मर्जी पूछ लो, ठीक है बेटा सब आता है, वेरी गुड, अब बता। होते हैं कुछ दो चार क्वेश्चंस होते हैं जो भी ये व्यक्ति बोलता है ना मुझे सब कुछ आता है, उसको वही क्वेश्चंस नहीं आते होते, ये कंफर्म है। क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस उसको आते होते तो वो कभी नहीं कहता मुझे सब कुछ आता है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो आपको ये बता देते हैं कि आपको क्या नहीं आता, ये वो एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में क्या है, मैंने उससे पूछा कि बता ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो उसने कहा ये यहां पे मेटा पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ऑर्थो और पैरा पे कम होगी। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहता ये माइनस एम ग्रुप है। मैंने कहा वेरी गुड, ये माइनस एम ग्रुप है, जरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दे। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये कार्बन है, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन की तरफ मूव नहीं कर सकता। उसने बड़े मजे से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन की तरफ मूव कर दिया। मैंने कहा भाई साहब ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कहता चार। मैंने कहा आपने कितनी बनाई? कहता पांच। मैंने कहा आगे बस इतना कहना था, उसने चौक रख दिया था, उसको अपनी गलती मिल गई थी, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये एग्जैक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन का उल्टा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, क्लोरीन की उतनी ही ज्यादा है। हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.5, क्लोरीन 3। तो यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है, ये Cl- बनता है, कार्बन के ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट करता है, एंड देयरफॉर इट इज एबल टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम द बेंजीन रिंग। ये है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट दिस इज द एग्जांपल, दिस इज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। और कुछ लोग इस कॉन्जुगेशन को प्लस एच लिख देते हैं और इसे माइनस एच, इसका इफेक्ट इससे एग्जैक्ट उल्टा है, ठीक है। ये माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये माइनस एम ग्रुप है। इज इट क्लियर? समझ आ गई था? हाँ भाई क्या हुआ? So that is what we have finished off with, hyperconjugation. बेटा यहां पर यह है कि बेंजीन रिंग एक इलेक्ट्रॉन सिंक है, वो एज पर डिमांड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में बेंजीन को डिमांड, इस केस में क्लोरीन डिमांड्स। तो बेंजीन रिंग कहता है मुझे तो कॉन्जुगेट करना है, इलेक्ट्रॉन ले ले या दे दे, वही बात है, ठीक है। और फिर से बात अल्टीमेटली वही है ना, ऑब्जर्वेशन, वी आर नॉट क्रिएटिंग इफेक्ट्स, वी आर सिंपली ऑब्जर्विंग एंड एक्सप्लेनिंग देम, ठीक है।
कुछ नहीं है, तेरे को देखता हो तो ऐसा लगता है कि ये बंदा अपने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने रिजल्ट की एस्पेसी कर देगा, क्योंकि तुम्हारे जब क्वेश्चंस गलत होते हैं ना, उनके गलत होने का कोई कारण नहीं होता, वो होने नहीं चाहिए गलत। और तुम्हें मैं कई बार कह चुका हूं कि यू आर द लकीएस्ट एंड द अनलकीएस्ट पीपल, बिकॉज तुम्हारा जिनसे कंपटीशन है वो सारे गधे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि तुम उनके साथ हो या उनके साथ नहीं हो, ये पहले बोल चुका हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं। और तुमने अभी तक इस बात को सीरियसली नहीं लिया है, अभी तक या तो तुम ये सोच के बैठे हो यार हमारा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता इसलिए पूरा छोड़ दिया है तुमने, या फिर तुम ये सोच के बैठे हो हमारा तो सिलेक्शन हो गया है। अरे लॉजिक में आ जाओ, मेहनत करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ये सोच लो। और ओवर कॉन्फिडेंस का ना ये ओवर हटा दो, बुरा लगता है यार तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ना, पर मजबूरी हो जाती है, जब तक तुम्हारे कॉन्फिडेंस को ना तोड़ा जाए तुम बात ही नहीं सुनते। ओके, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, सो कॉल्ड क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बताऊंगा, किया हुआ है तुमने, क्वेश्चन सिंपल सा है। वी हैव बेंजीन रिंग, ठीक है, इसकी हर पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ओके, बेंजीन रिंग में हर पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर है, ठीक है। अगर अब मैं यहां बेंजीन रिंग के ऊपर एक NH2 लगा दूं, तो NH2 ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग कॉजेज इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जितने भी इफेक्ट्स हमने बात की है, कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, दीज आर इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट एंड दे आर परमानेंट इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि ये इफेक्ट वर्क करेगा या नहीं करेगा, कोई कंडीशन कोई बेस्ड नहीं है, ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज, डायपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी, इन सब में नजर आती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनमें नजर आती है ये प्रॉपर्टी। ओके, तो ये परमानेंट इफेक्ट्स हैं। अब यहां पर NH2 की वजह से अब ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब बराबर नहीं रही, ठीक है, और इसका चेंज इस बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में भी डिफरेंट हो गया है। ओके, आपको मुझे बस छोटी छोटी चीजें बतानी है, और वो ये, यू हैव टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ईच पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ईच अदर एंड द अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब कि आपको इसकी ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन को अरेंज करना है, और इन तीनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कहीं पर बेंजीन रिंग को डालना है, कि इस पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से ज्यादा है और इस पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से कम है, बस इतना सा काम करना है, करो। और हाँ, साथ वाले से डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं, उसे भी नहीं आता। नहीं, तुम्हारी मर्जी है, जिस चीज को करना चाहो कर लो। क्या सवाल है,
ये तो वही IIT के पेपर है, 60 क्वेश्चन सारे करने पड़ेंगे, मत कर, इसने कहा है क्या? वैसे IIT के पेपर में एक्चुअली क्वेश्चन पता है क्या होता है? नॉट ऑल 60 क्वेश्चन IIT के पेपर में होता है, डू मिनिमम 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन एंड एटलीस्ट 30 क्वेश्चन, ये होता है IIT का पेपर. क्या हुआ, समझ में आया? क्वालिफाइंग इन ईच, 1 क्वेश्चन ईच होता है, ठीक है? हर सेक्शन में एक एक क्वेश्चन तो तुम्हें सॉल्व करना ही होता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन तो तुम्हारा करेक्ट होना ही चाहिए, वरना तुम डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो, ठीक है? और उसके बाद 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन एंड एटलीस्ट 30 क्वेश्चन, 50% मार्क्स, बस यही तो होता है, और क्या होता है IIT का पेपर? हाँ बस यही होता है. जल्दी अरेंज करो. भाई साहब अपनी गलतियां स्वयं करें. चलो एक काम करो, इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट इज टू इंट्रोड्यूस द बेंजीन रिंग, कि बेंजीन को कहां डालें. ऑर्थोमेटा पैरा अरेंज करना तो शायद डिफिकल्ट नहीं है ना, उतना तो करो. बेंजीन मैं बता दूंगा कहां डालनी है, डाल सको तो अच्छी बात है, नहीं डाल सको तो ऑर्थोमेटा पैरा तो अरेंज करो. और इसमें आपको मेसोमेरिक और इंडक्टिव और हाइपरकॉन्जुगेशन जो इफेक्ट लग रहा है सबको यूज करना पड़ेगा, सिर्फ एक इफेक्ट से आंसर नहीं आएगा, कम से कम 2 इफेक्ट तो वर्क कर ही रहे हैं हर किसी ने. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है इसमें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप पहले बना चुके हैं, उनको यूज कर लो. हर बार एक क्वेश्चन के ना हर चीज बनाना जरूरी नहीं होता. बहुत बड़ा फर्क है बेटा, OH एक माइनस आई ग्रुप है, O माइनस प्लस आई ग्रुप है, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से नेगेटिव हो गया है.
चलो एक काम करते हैं, एक काम क्या करेंगे, मुझे आंसर ही बताना चाहिए अभी, ठीक है? चलो लेट्स डिस्कस द आंसर। अब हम इस ग्रुप की बात करेंगे। अब ये जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना, ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। NH2, सबसे पहले हम इस NH2 की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, सो इट इज अ प्लस M ग्रुप, पहली चीज, ठीक है? दूसरा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो इट इज अ माइनस I ग्रुप, ठीक है? नाइट्रोजन कार्बन के एडजेसेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका प्लस M इफेक्ट बहुत डोमिनेंट है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफी कम है और कार्बन यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट काफी कम है। प्लस एम इफेक्ट काफी ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट काफी कम है, तो ओवरऑल प्लस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट पे बहुत डोमिनेंटली डोमिनेट करता है, ठीक है? इज इट क्लियर? क्योंकि NH2 प्लस एम ग्रुप है, इस वजह से ये ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहांस कर देता है, मेटा पे कोई असर नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा माइनस आई ग्रुप है, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ऑर्थो से खींचता है, फिर मेटा से खींचता है, फिर पैरा से खींचता है, तो मेटा पे डोनेट तो कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रॉन खींच जरूर लिया, तो इन सारी पोजिशन में मेटा बिकम्स द मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, ठीक है? वाइल ऑर्थो एंड पैरा बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, इनमें से भी रिचेस्ट इज पैरा, क्योंकि ऑर्थो से खींचा भी तो है साथ में था, पैरा सबसे दूर है तो माइनस आई इफेक्ट तो वर्क करता नहीं है, और मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस से कम नहीं होता, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस से कम होता है, मेसोमेरिक कम नहीं होता, तो ऑर्थो और पैरा पे मेसोमेरिक इफेक्ट बराबर है, इंडक्टिव ऑर्थो पे डोमिनेट करता, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे, ऑर्थो से थोड़ा सा खींचा गया ज्यादा डोनेट किया गया, मेटा से सिर्फ खींचा गया डोनेट नहीं किया गया, पैरा से खींचा बहुत कम गया डोनेट पूरा किया गया। तो यहां पर जब ऑर्डर की बात करते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है पैरा, ठीक है? विच इज अ लिटिल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑर्थो, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है? विच इज मच ग्रेटर देन द बेंजीन रिंग, विच इज ग्रेटर देन मेटा। तो NH2 के लिए ऑर्डर ये बनेगा, ठीक है? जब हम OH की बात करते हैं तो OH कार्बन से थोड़ा दूर हो गया, ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए पुलिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया। तो जब हम OH की बात करते हैं तो OH के अंदर पैरा और ऑर्थो में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है, ठीक है? OH में पैरा और ऑर्थो में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्लियर? फिर उसके बाद वी हैव बेंजीन एंड देन वी हैव मेटा, ठीक है? जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फिर कार्बन से दूर हो गया है, तो उसका डोनेशन इफेक्ट कम हो गया, पुलिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया है। अब फ्लोरीन एक बड़ा पिक्यूलियर सा केस है, जब पैरा पोजीशन की बात करते हैं तो वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, जब ऑर्थो की बात करते हैं वहां पे इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है। तो इसमें फ्लोरीन के केस में एक पिक्यूलियर सा केस ये होता है दैट पैरा इज ऑलमोस्ट सेम एज बेंजीन, स्लाइटली हायर और मे बी स्लाइटली लोअर, ऐसे डाइसी सर, ठीक है? बट दिस इज ग्रेटर देन ऑर्थो एंड वेरी ऑब्वियसली मच ग्रेटर देन मेटा, क्योंकि मेटा पे डोनेशन कुछ नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ही हुई है, ठीक है? जब हम क्लोरीन पे जाते हैं, क्लोरीन थर्ड पीरियड में चला गया, डोनेशन इफेक्ट और कम हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट ठीक है। अब यहां पर क्लोरीन के केस में बेंजीन बिकम्स ग्रेटर देन पैरा, ग्रेटर देन ऑर्थो, ग्रेटर देन मेटा हो जाता है। अच्छा, फ्लोरीन और क्लोरीन के बहुत पिक्यूलियर सी ऑब्जर्वेशन का ख्याल रखना, फ्लोरीन के ऑर्थो से
क्लोरीन के ऑर्थो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, फ्लोरीन के ऑर्थो से क्लोरीन के ऑर्थो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन फ्लोरीन के पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के पैरा से ज्यादा है। यह इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोरीन का मेसोमेरिक इफेक्ट है और साथ में इंडक्टिव भी है, ठीक है। तो फ्लोरीन का जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ऑर्थो पैरा पे बराबर लगा और वो क्लोरीन से ज्यादा है। जब इंडक्टिव की बात आई तो इंडक्टिव ऑफ फ्लोरीन अगेन इज मोर देन क्लोरीन और उसका पूरा इफेक्ट ऑर्थो पे लगा, तो ऑर्थो पे तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसको लूट लिया, ठीक है, लेकिन क्लोरीन में इंडक्टिव कम है, पर मेसोमेरिक कम है इसलिए पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। इज दैट ओके? तो यहां पे मेरे ख्याल से इसको ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। इज इट ओके? समझ आई बात? ये चीज याद रखना। इसकी बात करें, अब ये अलग केस हो गया, ये जो O माइनस है ये प्लस M है और इसका प्लस M इफेक्ट नाइट्रोजन से ज्यादा है और ये प्लस I भी है। ये मजेदार सा केस बनता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो की सबसे ज्यादा है, फिर पैरा की है, फिर मेटा की है और फिर नॉर्मल बेंजीन की आएगी, ठीक है। जब CH3 की बात करते हैं तो दिस इज प्लस एम थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज प्लस एम थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, एंड इट इज प्लस आई ऑल्सो। तो यहां पर इसके अंदर भी यही आता है, यहां पे ऑर्थो की ज्यादा है सबसे, ऑलमोस्ट इक्वल टू पैरा है, विच इज ग्रेटर देन मेटा, क्योंकि मेटा पे इंडक्टिव ही वर्क कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं कर रहा, and that would be greater than benzene, ठीक है, clear। इसकी बात करें, नाइट्रो काफी शरीफ है, लुटेरा है पर शरीफ है, ये बाकी सारे तो पॉलिटिशियंस हैं, एक तरफ लूटते हैं एक तरफ डोनेट कर देते हैं, नाइट्रो लुटेरा है बिल्कुल क्लियर है, माइनस एम माइनस आई दोनों ही तरीके से इलेक्ट्रॉन लूटता है, ठीक है, क्योंकि माइनस एम है तो ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है और यहां पे मेटा डांस करता है कि देखा देखा तुम्हें तो दो बार पिटाई करेंगे, मेरी तो एक बार होती है, मेटा पे तो इंडक्टिव चल रहा है, मेसोमेरिक चल नहीं रहा, मेटा पे तो थ्रू आउट माइनस एम है, माइनस आई है, तो यहां पर माइनस एम के थ्रू ऑर्थो और पैरा पिटे और उसके बाद माइनस आई के थ्रू ऑर्थो और पिटा, मेटा थोड़ा सा कम पिटा, पैरा सबसे कम पिटा, तो यहां पर ट्रेंड बिल्कुल उल्टा हो जाता है, वेरी ऑब्वियसली बेंजीन यहां पर सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद मेटा मेटा, फिर उसके बाद पैरा और ये काफी कम है, ठीक है, एंड देन सबसे पिटा हुआ ऑर्थो, ठीक है, ये आप बता दो। जल्दी करो, किसके ओके कौन से इफेक्ट वर्क कर रहे हैं इसमें? वेरी गुड, माइनस एम कैसे वर्क कर रहा है? प्लस है ना, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या समझ गया? ये
तुम्हें क्या लगता है, मैंने तुम्हें बोला इसका आंसर दे दो तो तुम्हें लगा ओके ओके ठीक है ठीक है, मैं स्कूल का टीचर हूं, देखो बेटा 50 क्वेश्चन मैंने कर दिए, सबसे इजी वाला तुम कर दो, वो देखा तुम्हें आता है। मैं वो नहीं हूं ये जबरदस्ती तुम्हारे कॉन्फिडेंस को पंप मारता रहूं जिससे कि वहां पे पटाखा बज जाए। और क्या यही होता तुम्हारे साथ, यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट है ही नहीं, नाइट्रोजन के पास ना तो एम्प्टी ऑर्बिटल है ना लोन पेयर है। भाई साहब पॉजिटिव चार्ज का मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता, वो सिर्फ कार्बन में होता है, कितनी बार बताऊं, ये नाइट्रोजन है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, ये माइनस एम प्लस एम कुछ शो नहीं कर सकता, ये ऐसा स्पीशी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव वर्क करता है और वो भी बहुत स्ट्रांगली माइनस आए। NH3 प्लस इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन पुलर देन फ्लोरीन, ये फ्लोरीन से भी ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसका भी अंकल है NR3 प्लस, यानी कि तीन अल्काइल ग्रुप लगा के प्लस लगा दो, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, लूट लेता है पूरा, इंडक्टिव के थ्रू ही लूट लेता है, मेसोमेरिक की जरूरत ही नहीं है। यहां पर इट इज बेंजीन देन पैरा और पहली बार मेटा पैरा और ऑर्थो के बीच में आता है और मरा हुआ है ऑर्थो, भयंकर इंडक्टिव से ही ऐसी तैसी कर दी है ऑर्थो की, मेटा की मेसोमेरिक की जरूरत ही नहीं है। ये जो ऑर्डर सामने लिखा हुआ है इसे अच्छी तरह समझ लेना, समझ में ना आए तो रट लेना, जरूरी है ये।